इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े, दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े, उनकी सीरतों में, उनकी तारीख और हिस्ट्री में, उनकी शरीयत में रोजे का हुक्म जरूर मिलता है। तो रोजा एक कोई ऐसी इबादत है कि जो सिर्फ हम पर लागू किया गया है, हम पर थोप दिया गया है, हमसे पहले के लोगों पर भी रोजा फर्ज किया गया था। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ हमको हौसला दिला रहा है, जो काम तुमको करने का हुक्म दिया गया है ये कोई नई चीज नहीं है,
उनसे पहले के जो इंसान थे वो इस इबादत से फारिग हो चुके हैं, ऐसा काम कर चुके हैं, लिहाजा इसका करना मुश्किल नहीं है, आसान है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे की फर्जियत का रोजे की फर्जियत की हिकमत बतलाई। रोजा क्यों फर्ज किया गया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेक बन जाओ, सुधर जाओ। तो रोजे का जो सबसे बड़ा मकसद है, मकसद ये कि हम नेक बन जाए। रमजान का महीना ये आता है, ये सुधारने के लिए आता है, तरबियत के लिए आता है, नेक बनने के लिए आता है। वरना रोजे का मकसद ये नहीं है कि आदमी सिर्फ और सिर्फ खाना पीना छोड़ दे, भूखा प्यासा है, इसका नाम रोजा नहीं है। रोजा इस बात का नाम है कि आदमी खाना पीना छोड़ रहा है, जबकि वो हलाल चीज है। खाना पीना आदमी छोड़ रहा है सुबह सादिक से लेकर के गुरु के आफ्ताब तक, ये हलाल चीज छोड़ रहा है, ये पैगाम दिया जा रहा है, ये तरबियत की जा रही है। रमजान ये नसीहत कर रहा है, जब तुम अल्लाह के लिए हलाल चीज को छोड़ सकते हो तो फिर रमजान के बाद हराम चीजों की तरफ क्यों भागते हो? हलाल चीज को हम जब छोड़ सकते हैं, खाना पीना ये सब हम छोड़ सकते हैं, तो फिर हलाल चीजों की छोड़ने के साथ साथ हम हराम चीज क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? ये रमजान हमारी तरबियत करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रमजान के आदाब में एक बहुत ही जामे नसीहत फरमाई, बल लम यदअ कौल ज़ूर वला अमल बिह فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه, कि जो आदमी झूठी बात, गंदी बात, बेहया वाली, बेहया और बेगैरत वाली बात न छोड़े और रोजा भी रखे। एक तरफ रोजा भी रखता है और फिर रोजे की हालत में गंदी बात, बुरी बात, झगड़ा, लड़ाई, झूठ, धोखा, ये सब काम कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه, ऐसे आदमी को कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं कि ऐसा आदमी अपना खाना पीना छोड़ दे। तो रोजे का मकसद ये नहीं कि आदमी भूखा प्यासा रहे। रोजे का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करें, अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदे बन जाए, मुत्तकी परहेजगार बंदे बन जाए। मुत्तकी परहेजगार बंदे बनने के साथ साथ आदमी गुनाहों को छोड़ दे, तौबा इस्तिगफार करे। ये रमजान का मकसद है, जो रमजान मुबारक के नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया है, लअल्लकुम तत्तकून कहकर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है कि फलैस लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ ताअमहु वशराबहु, जो आदमी गंदी और झूठी बात को ना छोड़े और रोजा भी रखे, तो अल्लाह को ऐसे आदमी के भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है, यानी उसका कोई सवाब और उसका कोई फायदा नहीं। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि रमजान मुबारक जो आ रहा है इसके मकसद को समझें। रमजान मुबारक जो आ रहा है, अल्लाह ने रमजान के रोजे को फर्ज किया है, और रात में क़याम करने, तरावीह की पाबंदी करने, सदकात व खैरात करने का ये जो जामे हुक्म दिया जा रहा है, ये इसका मकसद क्या है? इसका सिर्फ मकसद ये नहीं क्या कि सिर्फ भूखा प्यासा रहे। रमजान ये तरबियत का महीना है, मुत्तकी और परहेजगार बनाने वाला महीना है, सुधारने वाला महीना है, तरबियत का महीना है। तो हम इस लाहे से भी हमको गौर करना चाहिए। रमजान आया चला जाए ये महबूबी की बात है, रमजान आए हम उससे कुछ सीखें, उससे कुछ हासिल करें और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ रमजान ही मुसलमान बन के रह जाए, जैसा कि आज के समाज में अक्सर लोगों का रुझान है, उनकी सोच है, रमजान का महीना आया बस नेक बन गए। जैसे रमजान का महीना खत्म हुआ शैतान भी आजाद हो गया, हम भी आजाद हो गए, ये एक मुसलमान का किरदार नहीं होता है। मुसलमान की पहचान ये है, मुसलमान का किरदार ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल करता है। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अहादीस में बड़ी सराहत के साथ जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको और सारे मुसलमानों को कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान का महीना जो आ रहा है, अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर बरकत का जरिया बनाए और हम सब के गुनाहों की मगफरत का सबब और जरिया बनाए। आमीन रब्बिल आलमीन। अकुलु
قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسان المؤمنين واستغفروا انه غفور رحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.